गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, व्याकरण 9th चैप्टर. आज हम कौन सा चैप्टर करेंगे? 9th. ओके, 9th चैप्टर का नाम है सर्वनाम. ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? सर्वनाम. और इसको, सर्वनाम को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउंस. ठीक है, तो पढ़िए और समझिए. यहाँ पे हमको ये दिए हुए हैं कुछ सेंटेंसेस, हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि सर्वनाम, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है और उनको कैसे हम लिखते हैं और कैसे उनका यूज़ करते हैं वाक्य में. ठीक है, तो प्रश्न, राहुल क्या कर रहा है? उत्तर, वह पतंग उड़ा रहा है. प्रश्न, मीरा क्या कर रही है? उत्तर, वह केला खा रही है. ठीक है, तो ये दो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं. अब इनको हमें क्या करना है, या राहुल के स्थान पर वह का प्रयोग हुआ है. ठीक है, यानी यहाँ पे जो है क्वेश्चन में क्या है, राहुल क्या कर रहा है. अब उत्तर में हम लिख सकते कि थे कि राहुल पतंग उड़ा रहा है, लेकिन हम वह लिख रहे हैं, राहुल की जगह हमने वह लिखा है, वह पतंग उड़ा रहा है. तो वह जो हो गया वो क्या हो गया? सर्वनाम. ठीक है, इस तरीके से. और इसमें भी मीरा, यहाँ पे हमने प्रश्न में मीरा लिखा है, अब उत्तर में उन्होंने लिखा है वह यानी सर्वनाम. ठीक है, तो हम एक बार बार, हमको ज़रूरत नहीं है कि नाम हम यूज़ करें. अगर उसी एक ही व्यक्ति के बारे में हम जब लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तो हम वह भी बोल सकते हैं. तो वह जो होगा वो होगा सर्वनाम. ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं. ये स्त्रियाँ कहाँ जा रही हैं? ये मंदिर जा रही हैं. यहाँ स्त्रियों के स्थान पर ये का प्रयोग हुआ है. अब यहाँ पे क्या, ये स्त्रियाँ कहाँ जा रही हैं? ठीक है ना, तो ये स्त्रियों के बारे में बात हो रही है. तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्त्री हटा दिया हमने, ये मंदिर जा रही हैं. ठीक है ना, तो इस तरीके से ये जो शब्द है, ये जो है वो है क्या है? सर्वनाम. कुछ शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं. जैसे अब संज्ञा के स्थान पर कुछ शब्दों को हम प्रयोग कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द, राहुल, मीरा, स्त्रियां. अब ये सब क्या है? संज्ञा. ठीक है, अब इनके स्थान पर हमने जो है सर्वनाम का प्रयोग किया, वह वे. अब इन शब्दों का हम जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग यानी यूज कर सकते हैं. राहुल की जगह वह लिख सकते हैं, मीरा की जगह भी वह लिख सकते हैं. स्त्रियां यानी एक से ज्यादा स्त्रियां है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे वे लिखेंगे. ठीक है, अब ये है परिभाषा सर्वनाम की, जो कि आपको याद करना है. ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. संज्ञा के स्थान पर, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं. ठीक है, अब संज्ञा की परिभाषा तो आपको मालूम ही है ना. तो इस तरीके से जहाँ जहाँ संज्ञा के शब्द होंगे उन पे हम सर्वनाम वाले शब्दों का उपयोग करेंगे. बात कहने वाला आपके लिए मैं और हम शब्दों का प्रयोग करता है. अब जब बात कहने वाला है, जो हमको बात अपने बारे में, खुद के बारे में बता रहा है, तो वो कैसे बोलेगा? मैं करके. आप लोग भी बोलते हैं ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ. और हम भी बोलते हैं कि हम पढ़ाई करेंगे, हम खाना खाएंगे. इस तरीके से जब हम अपने बारे में, खुद के बारे में बात करते हैं तो मैं और हम शब्द का प्रयोग करते हैं. जिससे बात की जाती है या जो बात सुनता है उसके लिए तू, तुम, आप कहा जाता है. अब जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हम अपने मालूम मम्मी से या फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो हम उससे, हम बात करते समय क्या, कौन सा शब्द जो है इस्तेमाल करेंगे? तू, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है. तू, तुम, ऐसे करके बोलेंगे, है ना. आप भी बोल सकते हैं, तू क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो. हम अपने फ्रेंड से ऐसे बोल सकते हैं ना, लेकिन अपने जब बड़ों से बात करते हैं तो हम आप करके ही बोलते हैं. ठीक है ना, जैसे आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो टीचर से थोड़ी बोलेंगे कि तू क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी बोलेंगे. हम अपने टीचर से क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे
हो। जब हम बड़ों से बात करते हैं उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए हम आप बोलते हैं, ठीक। तो तू और तुम का प्रयोग ईश्वर और अपनों से छोटों के लिए होता है। देखो, तू और तुम अपने से छोटों के लिए हम कर सकते हैं और ईश्वर के लिए भी कर सकते हैं, है ना, कि हे ईश्वर तू ऐसा कर देना, हे ईश्वर तू हमें कुछ भी पास करा देना या कुछ भी। तो इस तरीके से तू और तुम हम ईश्वर के लिए तो कर सकते हैं, ईश्वर को हम आप भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आपका प्रयोग अधिकतर बड़ों के लिए होता है। देखो, हमने यहाँ बताया था ना अभी, आपका प्रयोग हमेशा हम बड़ों के लिए, उनको सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए बोलते हैं। अब इंग्लिश में तो एक ही वर्ड होता है आई या यू, लेकिन हिंदी में तू, तुम, आप, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन इनको भी हमें बोलने का एक तरीका होता है। जब हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो आप करके बोलते हैं, ठीक है। जो बात करता है वह अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग करता है। अब जो बात कर रहा है वो अपने लिए क्या बोलेगा, मैं, कि अरे मैं ऐसा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, या कुछ भी, ठीक है। जब किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात की जाती है तो उसके लिए वह, वे, उसे, उसने, उन्हें, उनसे, उन्होंने शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम किसी अन्य व्यक्ति से बात करते हैं या किसी और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब हम ये सारे सर्वनामों का प्रयोग। अब ये सब सर्वनाम हैं जो ये येलो कलर से लिखे हैं, रेड कलर से लिखे हैं, ये सब क्या हैं, सर्वनाम, ठीक है। इन्हीं का प्रयोग हम संज्ञा की जगह पर करते हैं। तो ये सब आपको जो है लर्न करना है। प्रश्न पूछने के लिए कौन, किसने, किसे, किन्हें आदि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हम इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। कौन, जैसे कौन कहाँ जा रहा है, और किस, किसके लिए जा रहा है, किसे, किन्हें, ये सब क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं स्टार्टिंग के लिए हम इनको उनका प्रयोग करते हैं। पास की एक वस्तु या प्राणी के लिए यह, तथा अधिक वस्तुओं का, अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए ये का प्रयोग किया जाता है। पास की एक वस्तु या प्राणी के लिए हम बोलेंगे यह है, जैसे ये इरेजर रखी है तो हम क्या बोलेंगे, यह है, ठीक है, यह है इरेजर मेरी है, इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। और अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए ये का प्रयोग किया जाता है। अब एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे प्राणी, वस्तु, कुछ भी, जैसे एक से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे, ये मेरी रबड़ है, यह नहीं बोलेंगे हम। या दो तीन रबड़ रखी हैं अगर, तो यहाँ पे मान लो दो तीन रबड़ रखी हैं इस तरीके से, और होती तो हम ये बोलते ये है क्या, ये मेरी रबड़ हैं। और अकेली अगर एक इरेजर है तो हम कैसे बोलेंगे, यह मेरी रबड़ है, ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे। और दूर की एक वस्तु है प्राणी के लिए वह, तथा अधिक वस्तु में प्राणियों के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। अब जब दूर की कोई चीज़ होती है उसके लिए हम बात करें, हमसे बहुत दूर है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, एक है तो हम उसको वह करके बोलेंगे, जैसे कि वह हमारा पेड़ है, या वह हमारी कार है, ठीक है, इस तरीके से, दूर है ना वो इसलिए। और एक से ज़्यादा है अगर वस्तु या प्राणी तो उसको कैसे बोलेंगे, जैसे चार कारें खड़ी हैं तो हम कैसे बोलेंगे, वे हमारी कारें हैं, इस तरीके से बोलेंगे ना, एक से ज़्यादा हैं तो, ठीक है। तो ये भी एक जो है ग्रामर में है कि एक से ज़्यादा जब चीज़ें होती हैं तो हम उनको अलग तरीके से बोलते हैं, और एक होती है तो उसको अलग तरीके से हम बोलते हैं। बिल्ली क्या कर रही है, ये बैठी है, तो यह है। अब बिल्ली हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे, बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली बैठी, क्यों, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बिल्ली की जगह पे यह का इस्तेमाल करेंगे। कुत्ते क्या कर रही है, भौंक रहे। अब कुत्ते इतने सारे हैं तो हम बार बार क्यों लिखें यहाँ पे कि कुत्ते भौंक रहे हैं। हम यहाँ पर कुत्ते की जगह ये भी लिख सकते हैं, कुत्ते भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। कल हम चिड़ियाघर देखने गए थे, तो हम यानी हम लोग, हम में ज़्यादा लोग भी होते हैं, एक भी होता है, ठीक है। तो हम चिड़ियाघर देखने गए थे, तो ये क्या है, हम सर्वनाम। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे सर्वनामों के नाम दिए हुए हैं, आप इनको याद करेंगे अच्छे से, ये होमवर्क है, ठीक है, अच्छे से लर्न करना है आपको। अब सर्वनाम आपको समझ में आ गया होगा, अब हम एक्सरसाइज करवा देते हैं। पीछे की टर्न करो पेज अपना,
सही विकल्प के सामने सही लगा। बात बताइए इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम है। मैं तीन शब्द दिए हूँ, इनमें से हमको एक पर टिक लगाना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे वह जो है वो सर्वनाम है, तो यहाँ पे आप टिक लगाएं। तुम बैठ जाओ में सर्वनाम है तुम। क्या सर्वनाम वचन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? हाँ सॉरी नहीं, ठीक है, वचन के स्थान पर प्रयुक्त नहीं होते, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्या सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? हाँ, ठीक है, इस तरीके। अब ये हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, कक्षा एक में पढ़ती हूँ, तो मैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए ना, इनमें से एक एक आंसर आपको यहाँ सही सही लिखना है। तो मैं कक्षा एक में पढ़ती हूँ, वह राकेश है, वह घर जा रहा है, ठीक है। क्या तुम उसका उसका घर जानते हो? ठीक है, हम खेलने जाएंगे, वे शोर क्यों मचा रहे हैं? इस तरीके से ये आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद है सही गलत, पुस्तक सर्वनाम है तो ये रॉन्ग है, कौन सर्वनाम शब्द नहीं है तो ये भी ये रॉन्ग होगा, सॉरी, कौन सर्वनाम शब्द नहीं है जबकि वो है ना, तो इसको हम लिखेंगे रॉन्ग। कुछ सर्वनाम शब्द हैं, है, हाँ तो है, सही। बात कहने वाला अपने लिए मैं का प्रयोग करता है, हाँ तो ये भी सही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके बाद ये मौखिक में जो है आपको ये करना है, चार सर्वनाम शब्दों के नाम बताइए। तो आप यहाँ लिखेंगे सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं? संज्ञा के, तो यहाँ पर आप संज्ञा लिखेंगे, ठीक है। अब ये कुछ चित्र दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो एक एक शब्द दिए हैं उनसे हमको इनको क्वेश्चंस बनाने हैं इनके। जैसे स्त्री भोजन पका रही है, क्या स्त्री भोजन पका रही है, क्वेश्चन बन गया। ऐसे प्रश्नवाचक बोलते हैं ना, प्रश्न बनाने हैं मतलब हमको जो ये सेंटेंसेस दिए हैं। दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है? दीपक के पास बहुत केले हैं, क्या दीपक के पास बहुत केले हैं? दिल्ली में लाल किला है, क्या दिल्ली में लाल किला है? इस तरीके से ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, ओके। सो, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पूरा। अब आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से करना है और लर्न भी करना है, ये आपका होमवर्क है, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस।